देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट प्लेट न्यूज। खबर लालकुआ से है। लालकुआ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के बाद अब वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5 और संजय नगर हाथीखाना क्षेत्र को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि लालकुआ सहित आसपास के क्षेत्रों में अब तक कुल 60 कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं, जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लालकुआ कोतवाली में भी लगभग 3 दर्जन लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यहाँ जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं वहाँ लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि लगातार बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की नज़र है और लॉकडाउन के नियमों का जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ अब सीधे मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। हमने एक लंबे समूह की सैंपलिंग की थी जिसमें 96 लोगों की सैंपलिंग में 60 लोग पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें से लगभग 33 पुलिस के जवान हैं और बाकी आम पब्लिक से लोग हैं। जो भी सैंपलिंग में लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको हमने सुशीला तिवारी या CCC में भेज दिया है और उनके जो टच में लोग हैं उनकी हम स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से उनकी जांच करा रहे हैं, उनके बीच में जा कर के उनको अवेयर कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम लालकुआ वासियों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, बार बार ये हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा जो है संक्रमण के दायरे में आ गए हैं, इसलिए अपने को आइसोलेट करें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन के अलावा भी कि आप इस छुपे हुए वायरस से जो है मैदान में आकर नहीं छुप करके ही लड़ें, तभी इसमें मानवता की भलाई है, लालकुआ वासियों की भलाई है और सब प्रशासन के स्तर से, पुलिस के स्तर से, स्वास्थ्य विभाग के स्तर से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसका पालन करिए। और मैं कहना निवासी तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, हम मुकदमे दर्ज करेंगे, कठोर कार्रवाइयाँ करेंगे।